हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से आप सबका रॉबी नीतू व्लॉग्स में स्वागत है। आज मैं एक ऑल टी शर्ट से एप्रिन बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं अंडर आर्म से नेक तक कट कर लूँगी, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, और इसी तरह से मैं दूसरी तरफ से भी कर लूँगी। ये एक DIY है, और जब टी शर्ट्स ओल्ड हो जाती हैं तो वो किसी काम की नहीं रहती हैं, और वो ऐसे ही इधर उधर पड़ी रहती हैं। तो आप इस तरीके से काम में लेकर के उनका यूज़ कर सकते हो, या अगर आप किसी गरीब को देते हो दान में तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं देते हो और वो ऐसे ही पड़ी रहती है तो आप उनका इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो इसके बाद में मैं ऊपर से इसकी कॉलर को भी हटा लूँगी। आप चाहें तो बैक से भी काट सकते हैं, पर मेरा कॉलर वाला है टी शर्ट, तो इसलिए मैं इसे पहले सीधा करूँगी। और दोनों पार्ट्स को हमें इक्वल ही रखना है, तो इक्वल करने के बाद में मैं इसे कट कर लूँगी। कट कर लेने के बाद में मैं इसे दोनों साइड से नीचे से कट कर लूँगी। और इसे इतना ध्यान रखिएगा कि आपको इसे बिल्कुल पूरा नहीं कट करना है। जो अंडर आर्म्स थे वहाँ से थोड़ा नीचे तक आपको 8 उंगल छोड़ देना है कपड़ा ऊपर से। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने पूरा नहीं काटा है, बस ब्लैक लाइन तक काटा है। उसके बाद में मैं दूसरी साइड से भी इसी तरीके से कट कर लूँगी। उसके बाद में जितना मैंने कपड़ा कट किया है उसे मैं काट लूँगी। और इस कपड़े को आप अगर एप्रिन को लंबा करना चाहते हो, जो ये कपड़ा कटेगा ये इतना, इस कपड़े को अगर आप एप्रिन को लंबा करना चाहते हो तो नीचे जॉइंट करके आप एप्रिन को लंबा कर सकते हो, पर मैं बिना स्टिच किए ही आपको एप्रिन बनाना बता रही हूँ, इसलिए मैं स्टिच नहीं करूँगी। आप चाहें तो स्टिच कर सकते हो, तो मैं इसे यहाँ से कट कर लूँगी। और ये कपड़ा जो निकला है इससे आप इसकी लेंथ को बढ़ा सकते हो, अगर आप चाहते हो तो बढ़ाना। अब इसके बाद में जो मैंने ये 8 उंगल का कपड़ा छोड़ा था, इससे मैं 2 पीछे बांधने वाली डोरी बनाऊंगी। पहले मैं ऊपर का एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दूंगी। ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा हटा दिया है, और जो ये बचा है कपड़ा जो 8 उंगल वाला, इसे मैं हाफ़ करूंगी। 4 उंगल यहाँ इधर के नीचे से काट दूंगी और फिर इधर की तरफ ले जाऊंगी। आई होप आप समझ रहे होगे कि मैं इससे डोरी बनाने वाली हूँ, इधर और उधर बांधने वाली। चार उंगल मैंने इधर की तरफ से काटा है, लेफ्ट हैंड की तरफ से, और 4 उंगल मैं उधर की साइड से, राइट हैंड की तरफ से, ऊपर की तरफ से काट लूँगी। इस तरीके से ये 2 डोरियाँ बन गई हैं, आप देख सकते हो एप्रिन की। अब मुझे गला काटना है, तो सबसे पहले मैं गले का शेप दे दूँगी।
मैं अंदाजे से दे रही हूँ, आप चाहें तो नाप के भी दे सकते हो, पर आप ऐसे भी दे सकते हो। तो मैं राउंड शेप रखने वाली हूँ, तो मैं राउंड शेप ही काट दूँगी। और ऊपर गले के लिए आपको मैं सॉरी डालना, मुझे वीडियो में अपलोड करना ही भूल गई, लेकिन आप है ना शोल्डर के यहाँ से बीच से कटिंग करना स्टार्ट कीजिए और दूसरी तरफ तक कर दीजिए, तो इससे आपके गले का गले पे भी बांधने वाली वो बन जाएगी डोरी। इसके बाद में मैंने जस्ट आप देख सकते हो मैंने ऊपर गले के लिए एक डोरी बना ली है बीच में से काट के, और ये इधर बगल से दोनों डोरियां निकल गई हैं, तो इस तरीके से मेरा एप्रिन बन गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कोई कमेंट हो तो वो भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।